नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है जो कि 14 अगस्त 2020 का है। लिखा किसने है? कृष्णा कुमार जी ने। कह क्या रहे हैं, स्कूल विदाउट फ्रीडम, मतलब बगैर आज़ादी के जो स्कूल्स हैं वो। इफ़ आ हाउस, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बगैर स्टार्ट करते हैं फिर। इफ़ आ हाउस नीड रिपेयर एंड रिपेयर आर डिले फॉर अ लॉन्ग टाइम, द हाउस डेवलप्स अ फोर्स टू हॉन्ट इज इनहेबिटेंट्स ड्यूरिंग एडवर्सिटीज। तो यहाँ पे क्या है, अगर हाउस को ज़रूरत होगी रिपेयर करने की या फिर से कुछ में उसमें सुधार करने की, और जो रिपेयर है वो डिले हो रहा है लंबे समय के लिए, तो हाउस डेवलप कर लेता है उस फोर्स को कि वो हॉन्ट या परेशान करे उसके जो है इनहेबिटेंट हैं या जो रहने वाले हैं उनके लिए। ड्यूरिंग एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति के काल में। दिस एनालॉजी अप्लाइज टू स्टेट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन, और यही एनालॉजी या इसी प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो अप्लाई होती है जो स्टेट के जो चिल्ड्रन एजुकेशन है उन पर। डिसीजन पर्टेनिंग टू इट्स आर डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रक्चर डिजाइन टू ओवरलुक लोकल फोर्सेस, लोकल फैक्टर्स। अब जो डिसीजंस हैं, डिसीजंस मतलब निर्णय, पर्टेनिंग मतलब संबंधित, इससे संबंधित जो डिसीजन है, टू इट आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रक्चर, ये डिपेंडेंट होते हैं उस स्ट्रक्चर पर जो डिजाइन टू ओवरलुक लोकल फैक्टर। ओवरलुक मतलब उपेक्षा करना, अनदेखी करना, जो लोकल फैक्टर हैं या जो नॉर्मल कारक हैं उन पर। दीज स्ट्रक्चर वर फोर्ज्ड टू एंश्योर टोटल कंप्लायंस नो मैटर हाउ वास्ट द सिस्टम बिकम एंड हाउ डाइवर्स रिमेन्ड द डिमांड सर्वाइड। तो दीज स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर थे वो कैसे थे, फोर्स थे या जाली थे, और इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए कि टोटल कंप्लायंस हो उसमें, कोई नो मैटर हाउ ये इस चीज़ की उसमें वो नहीं, कोई इसका कोई तवज्जो नहीं दी गई कि कितना वास्ट सिस्टम हो है एंड हाउ डाइवर्स रिमेन द डिमांड सर्विड, और कितनी जो कितना डाइवर्स है कि और उस चीज़ की डिमांड करता है कि उस चीज़ को क्या किया जा सके, सर्व किया जा सके या उस चीज़ को फॉलो किया जा सके। डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रूटीनली फेवर्ड, जो डिसेंट्रलाइजेशन है मतलब विकेंद्रीकरण, मतलब किसी एक के हाथ में सत्ता ना होना या एक अथॉरिटी के पास पूरे अधिकारों को क्या कर देना, डिवाइड कर देना, वाज रूटीनली फेवर्ड। तो रूटीनली फेवर्ड थी जो डिसेंट्रलाइजेशन की, मतलब बात उठती रहती थी, बट इट डिड नॉट टच द कोर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एज अ सिस्टम, लेकिन फिर भी जो कोर एस्पेक्ट या अपेक्षाएँ हैं जो एजुकेशन सिस्टम की, उस चीज़ को क्या है, टच नहीं कर पाई। क्रेविंग फॉर मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी यूनाइट प्रिंसिपल एंड टीचर फ्रॉम अक्रॉस द शार्पली डिवाइडेड सेगमेंट ऑफ अवर वास्ट नेटवर्क ऑफ स्कूल। क्रेविंग मतलब होती है तृष्णा, तो क्रेविंग जो तृष्णा है किस चीज़ के लिए, मामूली राशि, मॉडेस्ट अमाउंट मतलब मामूली, मॉडेस्ट मतलब मामूली, अमाउंट मतलब राशि, ऑफ ऑटोनॉमी मतलब छोटी सी ऑटोनॉमी को, ऑटोनॉमी क्या करती है, यूनाइट कर देती है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल्स मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल्स वो हैं जो टीचर होते हैं वो, और टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द शार्पली डिवाइडेड, और चारों तरफ के जो हैं उनको यूनाइट कर देती है, जो डिवाइडेड सेगमेंट है हमारे जो वास्ट स्कूल नेटवर्क सिस्टम है उसके। फॉर दोज सर्विंग इन गवर्नमेंट रन स्कूल, जो सेवा देते हैं या कर रहे हैं सेवा जो गवर्नमेंट रन स्कूल में है, देर इज़ नो प्रोविज़न इन द रूल बुक फॉर फ्रीडम ऑन एनी काउंट दैट मैटर्स। तो इस फ्रीडम के लिए कोई भी ऐसी फ्रीडम उसमें काउंट नहीं होती जिस चीज़ की क्या महत्ता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर अंतर्गत। सिंस ब्रिटिश डे, और वो ब्रिटिश डे से क्या होता हो रहा है, द ब्यूरोक्रेसी व्यू स्कूल फंक्शनरी विद द डीपेस्ट सस्पिशंस, मतलब ब्रिटिश समय से ही जो ब्यूरोक्रेसी है वो चीज़ देखती है जितने भी फंक्शन है उनके लिए, और डीपेस्ट मतलब गंभीर संदिग्धता से, बोथ इन देयर कैपेसिटी एंड इंटीग्रिटी, जो भी उनकी कैपेसिटी है और जो भी उनकी इंटेग्रिटी है उन दोनों को देखते हुए या उन दोनों के रिगार्डिंग। नो मैटर हाउ सीनियर यू आर, योर जॉब इज़ टू साइलेंटली फॉलो द ऑर्डर एंड
सर्कुलर इशू बाय द डायरेक्टर रेट एंड द एग्जामिनेशन बोर्ड। अब इस बात से कोई महत्व तो नहीं है कि आप कितने सीनियर हो, आपको बस रूल फॉलो करना है जो भी हायर अथॉरिटी से मतलब मिलते हैं आपको। इन प्राइवेट स्कूल यू नोटिस एडिशनल प्लेयर वो कीप प्रिंसिपल एंड टीचर अंडर अ फैट थंब। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी एडिशनल प्लेयर होते हैं वो प्रिंसिपल और टीचर को अंडर फैट थंब रहते हैं, मतलब उसके अंतर्गत रहते हैं टीचर और प्रिंसिपल। और स्कूल ओनर्स एंड मैनेजर द प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर काउंट फॉर लिटिल। तो जो भी स्कूल ओनर हैं या जो मैनेजर हैं, और जब ये सब द प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है जो प्रिंसिपल का और टीचर का, वो बहुत ही कम काउंट किया जाता है। मैनेजमेंट कमेटी एंड पेरेंट जनरली सपोर्ट रेजिमेंटेड अप्रोच ऑफ डायरेक्ट्रेट एंड बोर्ड। तो सभी के सभी जो भी मैनेजमेंट बॉडी है या पेरेंट कह सकते हो, वो रेजिमेंटेड अप्रोच मतलब एक अथॉरिटेरियन अप्रोच को ही सपोर्ट करते हैं जो कि बोर्ड और डायरेक्टरेट है। एंडोर्समेंट ऑफ स्कूल बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग। एंडोर्समेंट मतलब उस चीज़ को क्या तवज्जो देना, उस चीज़ को बढ़ावा देना, एंडोर्स करना। ऑफ स्कूल बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग हैज़ बीन इन फैशन। तो एंडोर्समेंट तो किस चीज़ का किया जा रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब फैशन बन चुका है स्कूल बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग, लेकिन रियलिटी में क्या है इसका अपोजिट हो रहा है। ऑल मेजर प्रोसेस दैट अफेक्ट लाइफ एट स्कूल हैव स्टे फॉर्मली अंडर सेंट्रलाइज एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड एग्जाम बोर्ड हैव टाइटेंड देयर ग्रिप फर्दर। और जो भी मेजर प्रोसेस हैं जो लाइफ को अफेक्ट करती हैं स्कूल के अंदर, वो फॉर्मली मतलब दृढ़ता से किसके अंदर अंतर्गत आती हैं, जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है उसके अंतर्गत आती हैं, और जो जिसमें कि जो एग्जाम के बोर्ड एग्जाम है वो भी उनके ही अंदर, उनकी ग्रिप उन एग्जाम के ऊपर है टोटल। कोविड 19 के कारण जो उठापटक हुई है। नाउ अराइव द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक। द वायरस हैज स्प्रीड अक्रॉस द कंट्री बट इट्स इम्पैक्ट इन डिफरेंट रीजन इज अनइवन। तो ये पूरी कंट्री को अफेक्ट किया है, लेकिन अलग अलग रीजन में इसके जो इफेक्ट हैं वो अनइवन है, मतलब अनइक्वल है, समान इफेक्ट नहीं पड़े हैं। द मेट्रो सिटी हैव बीन अफेक्टेड फार मोर देन अदर। जो मेट्रो सिटी हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं, बट इट इज़ नाउ रिपोर्टेड टू स्प्रीडिंग इन मैनी डिस्ट्रिक्ट टाउन। लेकिन अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि बहुत से जिलों में फैल रहा है। नो स्पेसिफिक डाटा आर पब्लिकली अवेलेबल ऑन विलेज। कोई भी एक ऐसा डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि जो ये शो करे कि विलेज में क्या हाल चल रहा है। इंडिया हैज़ ओवर 6 लाख विलेज। इंडिया के पास 6 लाख विलेज हैं। नो सिंगल पिक्चर कैन कवर देयर डाइवर्स जियोग्राफी एंड इकोनॉमीज। कोई भी एक सिंगल पिक्चर कवर नहीं कर सकती इसकी जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को, दोनों को। हेल्थ स्टैंडर्ड एंड फैसिलिटीज डिफर एंड सो डज नॉट इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19। जो हेल्थ फैसिलिटी है और स्टैंडर्ड है वो भी डिफर करते हैं, तो सो डज द इफेक्ट इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19। और इस हिसाब से कोविड 19 ने इम्पैक्ट किया। वाई वायरस हैज नॉट अफेक्टेड द रूरल हिंटरलैंड एज मच एज इट हैज अफेक्टेड सिटी, इट इज फॉर फ्रॉम क्लियर। तो मतलब क्यों वायरस ने उतना लेवल पे अफेक्ट नहीं किया विलेज में जितना कि मेट्रो सिटी में किया है, तो ये अभी बहुत दूर है जो इस चीज क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनी एक्सपर्ट थिंक दैट द अनइवन स्प्रीड इज मेयरली अ मैटर ऑफ पुअर रिपोर्टिंग फ्रॉम विलेज। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि विलेज में इसलिए रिपोर्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई जांच ही नहीं हो रही है, पुअर रिपोर्टिंग, वहाँ का कोई डेटा ही नहीं है। दे स्माइल इफ़ यू टेल देम दैट मैनी पंचायत आर एक्टिवली गार्डिंग देयर टेरिटोरीज। और वो खुश हैं इफ़ यू टेल देम, अगर आप उनसे ये कहो दैट मैनी पंचायत आर एक्टिवली गार्डिंग, मतलब बहुत सी पंचायत अपनी टेरिटरी की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट अवेयरनेस एंड रिजिलियंस डेमोन्स्ट्रेटेड
वाई मैनी विलेज इज लार्जली इग्नोर्ड इन द मीडिया। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि जो अवेयरनेस है और जो रेजिलियंस है, जो लचीलापन है, जो डेमोन्स्ट्रेट हुआ है कई विलेजों के अंदर, वो मीडिया के द्वारा इग्नोर किया गया है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द जनरल बायस दैट परवेड्स अर्बन परसेप्शन इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ। और ये एक एग्जाम्पल है जो जनरल वाइज मतलब पूर्वाग्रह, सामान्य पूर्वाग्रह, दैट परवेड्स मतलब व्याप्त करना या फैलाना या स्प्रीड होना, अर्बन परसेप्शन इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। तो अर्बन का जो परसेप्शन है वो पूरे की पूरी लाइफ में क्या है। नो सेपरेट कंसिडरेशन ऑफ विलेज नीड सीम्स पॉसिबल इन करेंट क्राइसिस। और कोई भी सेपरेट जो कंसिडरेशन है विलेज के लिए वो नहीं लगता कि करेंट क्राइसिस में आवश्यक है। दैट इज़ वाई ऑल स्कूल अर्बन एंड रूरल हैव स्टे क्लोज सिंस द लास्ट वीक ऑफ मार्च। और यही कारण है कि पूरे के पूरे, चाहे अर्बन के हों चाहे विलेज के पूरे स्कूल क्या हैं, क्लोज्ड हैं मार्च से। कुक्ड मिड डे मील सर्व्ड टू चिल्ड्रन एट स्कूल हैव बीन रिप्लेस्ड इन मैनी स्टेट बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन एंड मनी टू देयर चिल्ड्रन। तो बहुत से स्कूलों में जो मिड डे मील मिलता था उसको किस से रिप्लेस्ड कर दिया गया कि आप उनको अनाज दो और मनी दो। ए विलेज स्कूल हैड सम ऑटोनोमी many would have found local condition good enough to allow children to come for their meal and spend some time studying। अगर इनको autonomy दी जाती तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो ये अलाउ कर सकते थे कि भाई हाँ आप उनको मिड डे मील भी दे दो और पढ़ाई भी होती रहती कुछ मात्रा में। decision regarding the daily time spent and class size might been taken in accordance with distancing norm by school head and teacher। और जो नॉर्म है COVID-19 के वो जरूर उसमें फॉलो कर सकते थे लोकल अथॉरिटी लेवल पे। लर्निंग आउटडोर, नॉट ऑल लर्निंग हैज टू अकर इन क्लासरूम। पूरी की पूरी लर्निंग क्लासरूम में अकर नहीं होती। आइडियोलॉग्स ऑफ मिनिमलिज्म आर आर्गुइंग दैट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आर व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन द ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी। तो जो विचारक हैं, आइडियोलॉग हैं, किसके मिनिमलिज्म मतलब जो कम करने के या कम से कम न्यूनतम के उस पक्ष में रहते हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं कि जो फाउंडेशन लिटरेसी है, जो जो आधारभूत साक्षरता है, और जो न्यूमरेसी है, आर वॉट वी नीड टू फोकस ऑन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी। तो उस ऑर्डर में कि हमें जो क्वालिटी इम्प्रूव करना है वो इन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अ न्यू क्वाइनेज इज लर्निंग लॉस विच सपोजली अकर इन अप्रैल एंड मई ड्यू टू द लॉकडाउन। तो नई जो व्यवस्था भी जनरेट हुई है उसमें क्या हो रहा है, लर्निंग लॉस हो रहा है जो सपोजली अकर हुई है कहाँ, अप्रैल और मई में लॉकडाउन के कारण। ऑनलाइन टीचिंग वाज मूटेड टू कंपेंसेट फॉर दिस लॉस। और जो ऑनलाइन टीचिंग का है वो विचार रखा गया था इस चीज़ को कंपनसेट मतलब भरपाई करने के लिए, कि इस चीज़ की भरपाई की जा सके जो ये लॉस हुआ है। स्मार्टफोन एंड लैपटॉप और न्यू, ये सब न्यू है, बट द आइडिया दैट चिल्ड्रंस बेसिक एजुकेशनल नीड आर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इज सर्टेनली क्वाइट ऑब्सोलेट। तो ये आइडिया अच्छा है लेकिन जो बेसिक नीड है लिटरेसी और न्यूमरेसी की, वो सर्टेनली क्या है, ऑब्सोलेट मतलब होता है अप्रचलित है या पुराने ढंग का कह सकते हो। चाइल्ड साइकोलॉजी हैज जनरेटेड सफिशियंट एविडेंस टू से दैट इन इट्स फॉर्मेटिव स्टेज द ह्यूमन माइंड नीड अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचुरल फिनोमेना रिप्रेजेंट इन इट्स डिफरेंट फॉर्म एंड एनालाइज्ड इट। तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो दर्शाती है कि जब आप लर्निंग स्टेज में हो तो अपॉर्चुनिटी होती है कि ऑब्जर्व करें नेचुरल फिनोमेना को, रिप्रेजेंट करें डिफरेंट फॉर्म ऑफ और एनालाइज करें उस चीज़ के लिए। विलेज स्कूल आर इट फॉर्म बेटर पोजीशंस टू डू सो देन सिटी स्कूल। तो जो विलेज के स्कूल हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं कंपेयर टू सिटी के स्कूल। द मानसून क्रिएट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर नोटिसिंग रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनिंग नेचर। तो ये मानसून ने क्या क्रिएट किया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है
किस चीज़ के लिए, कि नोटिस करें, रिकॉर्ड करें और उस चीज़ को एग्जामिन करें, कि उसको प्रकृति को. ईग्रेट एंड अदर लार्ज वर्ड ट्रेड आर लेजरली. लेजरली मतलब होता है आराम से. पेस इन बैड पैडी फील्ड. ट्रेड मतलब चलना. तो जो एक ईग्रेट और अदर जो लार्ज वर्ड हैं वो लीजरली मतलब चलते हैं. किस पे? बैट पैडी फील्ड, गीले उस पे पैडी फील्ड पे. लुकिंग फॉर फूड, किस चीज़ को देखने के लिए, फूड को देखने के लिए. दे आर अ जॉय वॉच एंड स्केच इन देयर डिफरेंट पोस्चर. और वो खुशी होते हैं, देखते हैं और स्केच करते हैं उनके डिफरेंट पोस्चर को. आंट कम आउट ऑफ देयर सबटेरेनियस. सबटेरेनियस मतलब होता है गुप्त या भूमिगत जो भी हो. होम व्हेन द रेन वाटर फ्लड फ्लड्स देम. तो जब भी ये रेन वाटर आती हैं तो वो बाहर आती हैं. बटरफ्लाई माइग्रेट इन दिस सीजन. बटरफ्लाई माइग्रेट करती हैं, इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं. दीज आर द जस्ट एग्जाम्पल. और ये एक एग्जाम्पल है. देर आर अ हंड्रेड थिंग ऑफ ऑब्जर्विंग प्लांट एंड ट्री. यहाँ पर बहुत सी ऐसी थिंग हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं. विलेज टीचर कैन ब्रिंग ग्रीट एनर्जी इन टू देयर पेडोगोगी वाई द एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू स्पेंड टाइम आउटडोर फॉर असाइंड ऑब्जर्वेशन. और जो टीचर हैं वहाँ के, वो एनकरेज कर सकते हैं इस टाइप की शिक्षण व्यवस्था को कि वो करें. इफ सम चिल्ड्रन हैव अक्वायर्ड अ स्मार्टफोन और रिसीव ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दे कैन विजुअली रिकॉर्ड वट दे नोटिस. तो सब चिल्ड्रन को अगर अक्वायर किया जाए स्मार्टफोन और ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ तो दे कैन विजुअली रिकॉर्ड वट दे नोटिस, जो भी ये नोटिस करते हैं. ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन आर गुड फॉर प्रमोटिंग न्यूमरेसी. जो ऑब्जर्वेशन है और जो रिफ्लेक्शन है उस चीज़ का, वो एक गुड है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, न्यूमरेसी और लिटरेसी टू दोनों के लिए. इनफैक्ट मैथमेटिक्स इज लर्न बेस्ट व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग एंड फाइंड इट वर्थ काउंटिंग. तो मैथमेटिक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी जब आपको लगेगा कि हम इस जो पढ़ रहे हैं वो एक वर्थ काउंटिंग या सीखने के योग्य, एक बहुत अच्छा चीज़ है जिसका हमें उपयोग होगा. द सेम इज ट्रू राइटिंग एंड रीडिंग. और दोनों ही चीज़ें राइटिंग रीडिंग के रिगार्डिंग भी ट्रू हैं. बट वी लिव इन अ टाइम व्हेन लर्निंग आउटकम आर प्री डिफाइंड एंड देयर अटेनमेंट नीड टू बी क्लियरली प्रूव्ड विथ टेस्ट. तो हम लेकिन उस समय में ले रहे हैं कि जहाँ पर प्री डिफाइंड है जो भी आपके लर्निंग आउटकम है, और देयर अटेनमेंट नीड टू बी क्रिटिकली प्रूव्ड. और क्रांतिक रूप से जो प्रूव करना है उस चीज़ को, किसके साथ? टेस्ट के साथ. कि टेस्ट में आपने ज़्यादा नंबर लाए तो बहुत अच्छी बात. द सर्च फॉर टेक्निकल फिक्स इज नॉट न्यू. जो टेक्निकल फिक्सेज हैं वो कोई नया नहीं है. नॉर इज द कल्ट ऑफ कंट्रोलिंग टीचर एंड चिल्ड्रन. और ना ही ये उस टाइप का कल्ट है कि वो कंट्रोलिंग कर रहा है टीचर और स्टूडेंट को. द होप दैट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव पेडागॉजी क्वालिटी सस्टेन्ड इंटरेस्ट इन द रेडियो देन इन टेलीविजन एंड इंटरनेट. तो ये जो सस्टेन्ड कम्युनिकेशन इम्प्रूव सस्टेन्ड इंटरेस्ट मतलब जो लगातार हित होने हैं वो रेडियो के अंदर, टेलीविजन के अंदर और इंटरनेट के अंदर, वो उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है. इट कैन रिकॉल सम वंडरफुल कलीग हु डेडिकेटेड देयर लाइफ टू एजुकेशन टेक्नोलॉजी. और ये बुला भी सकता है ऐसे कलीग को, ऐसे लोगों को जो डेडिकेटेड हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कुछ नया किया जा सके. वन वॉज डॉक्टर विजय मौले हु नेवर टायर्ड टू रिमाइंडिंग ऑफिशियल दैट द रियल सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी कैम वेन इट मोटिवेट एंड एनेबल पीपल टू सॉल्व इट देयर ओन प्रॉब्लम. तो सबसे पहले कौन है? इनने विजय मौले का नाम लिया है, जो हमेशा रिमाइंड करते रहते हैं ऑफिशियल्स को. रियल सक्सेस टेक्नोलॉजी का वो है कि जिसके जो मोटिवेट करें और इनेबल करें पीपल को कि वो खुद की प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करें. फॉर हर द डेंजर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग वाज अ ग्रेट एज द अट्रैक्शन दैट इट वुड ब्रिंग लाइफ इनटू द क्लासरूम. तो इनके लिए एक डेंजर है या खतरा है किस चीज़ के? एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, लीडिंग टू सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग.
जो लीडिंग कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की तरह, वाज अ ग्रेट, वो एक महानता थी और महान चीज़ थी, एज अ अट्रैक्शन दैट इट वुड ब्रिंग लाइफ इनटू क्लासरूम। और ये क्या करेगा, लाइफ को क्लासरूम के अंदर लाके खड़ा कर देगा। द आइडिया ऑफ क्रैकिंग अ जनरल विप ऑन अवर वास्ट स्कूल पॉपुलेशन, जो जनरल क्रैकिंग जनरल विप है कि हमारे जो वास्ट स्कूल पॉपुलेशन का ड्यूरिंग द पेंडेमिक वुड हैव हॉरीफाइड हर, तो वुड उसके लिए क्या होगा, हॉरीफाइड होगा उनके लिए। द डेली इमेज ऑफ हैपलेस, हैपलेस मतलब होता है अभागी, चिल्ड्रन पियरिंग इन टू टिनी स्क्रीन आर डिस्ट्रेसिंग इंडीड। तो जो चिल्ड्रन की जो पेयरिंग है वो टिनी स्क्रीन के, वो डिस्ट्रेसिंग कर रही है वास्तव में। सम ऑफ द पुअर स्टेट आर टॉइंग विद सॉफ्टवेयर दैट विल टेल द टीचर्स व्हाट टू डू नेक्स्ट फॉर इम्प्रूविंग अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट। और कुछ पुअर स्कूल में क्या हो रहा है कि स्टेट के अंदर वो खेल रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के साथ, जो टीचर को ये बता रहा है कि अब तुम्हें चाइल्ड के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, ऑन अ टेस्ट। ठीक है, आइडिया लाइक दैट अपील टू ऑफिशियल एंड अदर हु हैव बीन लेड टू बिलीव दैट आवर कोर प्रॉब्लम हैज टू डू विथ टीचर। और इस प्रकार के जो आइडिया हैं वो ऑफिशियल्स यही कहते हैं या अपील करते हैं, और ऐसे अदर जो बिलीव करते हैं इसमें कि कोर प्रॉब्लम क्या है, टीचर के साथ है। क्यूरियसली एनफ टेक्नोलॉजी एंथुसियास्टिक्स हैव सेल्डम स्पोकन अबाउट द एबसेंस ऑफ बेसिक लर्निंग इक्विपमेंट इन अवर स्कूल। क्यूरियसली मतलब उत्साहपूर्वक, टेक्नोलॉजी एंथुस्ट मतलब टेक्नोलॉजी के प्रति उत्साह, हैव सेल्डम कदाचित ये कह चुका है कि जो एबसेंस है बेसिक लर्निंग इक्विपमेंट का हमारे स्कूल के अंदर। समथिंग आ स्मॉल एंड सिंपल एज मैग्नीफाइंग ग्लास इज अलाइंस टू अवर प्राइमरी स्कूल। तो समथिंग कुछ छोटा और सिंपल जो मैग्नीफाइंग ग्लास है हमारे प्राइमरी स्कूल की तरफ ध्यान दें। आर नॉट दीज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्या ये पार्ट नहीं है हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। ग्रेट एक्सपेंडिचर इज मेड ऑन परचेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्कूल बट इट डज नॉट कवर बाइनोक्यूलर और माइक्रोस्कोप। तो इतना एक्सपेंडिचर होता है लेकिन वह ये कवर नहीं करते हमारे बाइनोकुलर या माइक्रोस्कोप को। देयर इज अ वे टू मेक सेंस ऑफ दिस, अब यहाँ पे एक रास्ता है कि इस चीज़ को सेंसफुल बनाया जा सके। इफ वॉचिंग द ईग्रेट्स इन अ पैडी फील्ड इज नॉट वर्थ द टाइम इट विल टेक, वाई शुड स्कूल हैव बाइनोकुलर। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी पक्षी को नहीं देख सकते वहाँ पे खेतों में या जहाँ पे भी फील्ड है वहाँ पे, तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही क्या है, दूरबीन की। एन एक्सपीरियंस दैट माइट एक्सपेंड अवर डीपेंस चाइल्ड इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग डज नॉट काउंट एज लर्निंग, वेयर इज द एबिलिटी टू क्रैक अ टेस्ट आइटम डज। तो जो हमारे बच्चों का जो इंटरेस्ट है और अंडरस्टैंडिंग है वो काउंट नहीं की जाती एज अ लर्निंग, जहाँ पे एबिलिटी होती है कि टेस्ट को क्रैक करो, टेस्ट आइटम को क्रैक करो, बस वही वही। ऑल दिस फिट्स इन द लार्जर पिक्चर, व्हाट इट्स सिग्निफाई अ कोलोसल लॉस ऑफ नेशनल इमेजिनेशन एंड टैलेंट। तो ये बड़े पिक्चर में तो अच्छा लगता है बट जो सिग्निफिकेंटली जो है कि वो हमारी इमेजिनेशन को क्या कर रहा है, लॉस कर दे रहा है। द सिस्टम हैज़ फेल्ड टू रिटेन द मोमेंट्रम एंड गेन दैट अक्रू टू इट फ्रॉम मॉडेस्ट रिफॉर्म बिकॉज ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वर डिनाइड टू टीचर। तो जो सिस्टम है वो फेल्ड हो चुका है कि अपने मोमेंटम को रिटेन कर सके, एंड गेन दैट अक्रू जो भी गेन है वो इस चीज़ को वृद्धि कर सके, टू इट फ्रॉम मॉडेस्ट रिफॉर्म मतलब सूक्ष्मतम रिफॉर्म बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमी, क्योंकि जो ऑटोनॉमी का जो प्रोफेशनल का या उनके जो कॉम्पिटेंस उनकी सक्षमता का वर डिनाई टू टीचर, जो डिनाई थी टीचर के मतलब टीचर की उतनी महत्ता नहीं दी गई।
या उनको ऑटोनॉमी नहीं दी गई। इफ अवर स्कूल फेल टू नर्चर अ फ्री थॉटफुल माइंड अमंग यंग वन रीजन इज दैट स्कूल देम सेल्फ हैव नो फ्रीडम। तो ये सीधी सी बात है, अगर हमारे बच्चे को सोचने की आज़ादी नहीं है तो उसका कारण है कि हमारे स्कूल ही फ्रीडम के अंदर नहीं है या उनको ही आज़ादी नहीं है। एंड इफ पेंडेमिक कंपल्सन गाइड ब्रॉडर डिसीजन टीचर्स बॉन्डेज विल गेट वर्स। तो अगर ये पेंडेमिक के जो कंपल्सन की गाइड अगर ब्रॉडर डिसीजन होगा तो टीचर की जो दासता है या बॉन्डेज है वो और क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर